एक तरफ चुनावी टिकटों को लेकर बीजेपी अपने ही लोगों के बगावत से लड़ रही है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार पर फंडिंग को लेकर मुसीबतें बढ़ गई हैं। अक्सर मोदी सरकार दूसरी पार्टियों पर फंडिंग को लेकर सवाल उठाती रही है, परंतु इस बार मोदी सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव के लिए इकट्ठा किए जाने वाला चंदा का हिसाब ठीक से न देने के चलते कोर्ट ने इसे गलत बताया है। केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम वाली नीति पर चुनाव आयोग ने कई सवाल खड़े किए हैं। चुनावों में फंडिंग को लेकर चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पारदर्शिता के लिए खतरा बताया है। केंद्र सरकार की नीति पर असहमति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए जाने वाला चंदा कहीं से भी सही नहीं है। आयोग ने केंद्र सरकार के इस कदम को गलत फैसला बताया। बुधवार को दाखिल किए गए एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 26 मई 2017 को उसने विधि एवं न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने इस विचार से अवगत कराया था। आयोग का कहना है कि उसने अपने पत्र में बताया था कि आयकर कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और वित्त कानून में बदलाव राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता के खिलाफ है। यह साफ है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29C में हुए संशोधन के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हासिल चंदे की जानकारी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को नहीं देनी होगी। आयोग ने चंदे के संदर्भ में लागू पारदर्शिता की नीति के खिलाफ बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब मिलने वाले चंदे की जानकारी नहीं देते हैं तो इससे उनके जरिए सरकारी कंपनियों और अनजान विदेशी स्रोतों से पैसे लेने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, जिसकी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29B के तहत मना है। गौरतलब है कि 2017 में NDA की सरकार ने तमाम राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में साफगोई देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार के इस नीति से यह तो बात साफ नजर आती है कि चुनावों में मिलने वाले चंदा ब्लैक मनी भी हो सकती है। कोर्ट में इसके खिलाफ दी अर्जी से मोदी सरकार की मुसीबत कम नहीं होगी। केंद्र सरकार को चंदा कहां से आता है और कौन देता है इसका हिसाब तो वह देने से रहे, पर चंदा के नाम पर लिए जाने वाले पैसे पार्टियां खूब मजे से उड़ा रही हैं। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।